नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम लाइट लाइव चैनल पे। एक सेशन हम ले चुके हैं नाउन के ऊपर। ये जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सेकंड सेशन है नाउन का, और इसका जो लेवल रहेगा वो बिल्कुल आपके पटवार वाले एग्जाम से ही कॉप करेगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में आप पटवार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नाउन सेशन टू। क्लियर? तो कॉपी पेन ले लें आप हाथ में, और जहां भी अगर आपको लगे कि समय कम मिल रहा है तो वहां आप इस वीडियो को पॉज करें और लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, नाउन की बात हम पहले सेशन में कर चुके हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन को डिवाइड भी कर चुके हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन में। यह भी आपने देखा होगा। अब यहां हमें क्या देखना है, नाउन को अब यूज कैसे करना है, मतलब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब इसमें क्या है, आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ नाउन, नाउन के नियम। ठीक है, रूल्स ऑफ नाउन, नाउन के नियम। नाउन के नियम देखने से पहले एक बात समझे आप, आपने कई बार इस तरीके के नाउन पढ़े होंगे जो हमेशा ही, हमेशा जिनके एंड में एस लगा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ शब्द हैं हमारे पास जिनके अंत में जैसे मैं कह दूं कि कुछ नाउन है जिनके अंत में एस लगा हुआ होगा, एस लगा होगा, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन शूज, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन सॉक्स। तो एक बार दोबारा बात करते हैं दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में क्या लगा हुआ होगा, एस लगा होगा। एस लगा होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल हैं और आप उनको सिंगुलर बना लेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि अंत में लगा हुआ एस जो है वो आप हटा नहीं सकते। दो बातें समझ में आ गई। नाउन की लिस्ट में बनवाऊंगा आपसे कि ऐसे कौन कौन से नाउन है जिनके अंत में एस लगा हुआ है। ठीक है, एस लगा होगा और एस को आप हटा नहीं सकते। जैसे आपने बोला शूज और आपको कहना होगा सर एक, तो आप कभी नहीं बोल सकते सर शू, आपको क्या बोलना पड़ेगा, शूज। ठीक है, ऐसे नाउन की लिस्ट पढ़ रहे हम जिनके अंत में एस लगा होगा और उस एस को आप नहीं हटा सकते, मतलब सीधी सी बात है आप एक वचन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब जो उनका प्रयोग है, उनका जो यूज है वो हमेशा प्लूरल की तरह होगा। उनका जो प्रयोग है वो किसकी तरह होगा, वो प्लूरल की तरह होगा। ठीक है, अब ये बात समझते हैं कि यार ये प्रयोग का मतलब क्या है, ये प्रयोग से हम क्या सेंस लेना चाह रहे हैं, प्रयोग का मतलब क्या है। इनका यूज प्लूरल की तरह होगा, प्लूरल की तरह यूज होने का एक ही मतलब है कि इनके साथ में जो वर्ब लगेगी ना दोस्तों वो हमेशा बहुवचन की लगेगी, जैसे आर, जैसे वर, जैसे हैव। समझ रहे हैं आप? तो तीन बातें समझ में आएगी आपको, कुछ नाउन जिनके अंत में एस लगा होगा उस एस को नहीं हटा सकते हैं, तीसरी बात उनका यूज यानी कि वर्ब हमेशा किसकी तरह लगेगी, प्लूरल की तरह। दो एग्जाम्पल हमने पढ़े सॉक्स और शूज। तो ऐसे नाउन की लिस्ट बनाना जरूरी है जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ऐसे कौन कौन से नाउन है। तो पहला आप पढ़ते हैं शूज, दूसरा सॉक्स, सीजर्स। सीजर्स क्या हो गया दोस्तों, कैंची। ठीक है, बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स क्या हो गया दोस्तों, दूरबीन, दूरबीन, बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन। आप कभी भी चाहे कैंची एक हो चाहे कैंची पचास हो, आपको वर्ड हमेशा सीजर्स ही बोलना है। सीजर वर्ड अंग्रेजी में गलत माना गया है, एग्जाम में कई बार ये वर्ड पूछा हुआ है। हमें लगता है कैंची एक है तो वर्ड यूज कर लो सीजर, बिल्कुल गलत बात है। कैंची एक हो या पचास हो, वर्ड कितने यूज, क्या यूज करना है आपको, सीजर्स। क्लियर? अब और आगे बात करते हैं दोस्तों, शूज, सॉक्स, सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, जीन्स, जो पहनते हैं आप जीन्स, अगर एक है आपके पास
तो भी जींस, और अगर दो हैं तो भी जींस। ऐसे नहीं होगा कि आप एक है तो जीन बोल देंगे, वो वर्ड हमेशा जींस ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। गॉगल्स, गॉगल्स वो धूप का जो चश्मा है उसी को गॉगल्स बोल रहे हैं, और नजर के चश्मे को क्या बोलते हैं? स्पेक्टिकल्स। क्या बोलते हैं दोस्त? स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स नजर का चश्मा है, बिल्कुल मैं लिख देता हूं हिंदी में, नजर वाला जो चश्मा है उसको बोल रहे हैं आप स्पेक्टिकल। बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, स्पेक्टिकल्स बिल्कुल नजर का चश्मा। ठीक है, कई लोग इनको ग्लासेस भी बोलते हैं, ग्लासेस भी यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी वर्ड्स है जैसे कि टोंग्स। टोंग्स कभी आप टोंग नहीं बोल सकते हैं, वर्ड आपका हमेशा क्या रहेगा? टोंग्स ही रहेगा। टोंग्स क्या हो गया दोस्तों? चिमटा। एक बात दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूं, जो बात हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब यह है कि जितने भी वर्ड आप यूज कर रहे हैं वो हमेशा बहुवचन में ही यूज होंगे। क्लियर है? और बढ़ते हैं आगे, और जैसे और वर्ड्स की बात करें हम ये समझ में आ गया होगा आपको, ये गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, टोंग्स। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी वर्ड है इनको आपको किसकी तरीके से यूज करना है? प्लूरल की तरह। जैसे वर्ड लेते हैं अपन पैंट्स, पैंट्स हिंदी में तो बोल देते हैं हम पैंट, लेकिन इंग्लिश में पैंट वर्ड नहीं बोलना आपको, वर्ड शुड बी पैंट्स, चाहे वो एक हो चाहे हजार हो। ठीक है दोस्तों, और बात क्या याद रखनी है, इनके अंत में जो एस लगा हुआ है इसको हटाकर आप कभी भी एक वचन नहीं बना सकते, एक वचन भी नहीं बना सकते हो, और इनके साथ में जो क्रिया है वो हमेशा आपको बहुवचन या प्लूरल की रखनी है। क्लियर है? दोबारा बताया तो आपको, शूज, सॉक्स, सीजर्स, कैंची, बाइनोक्यूलर्स मतलब दूरबीन, और उसके बाद आते हैं अपन जीन्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स। समझ रहे हैं आप ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब सर ये क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे करूंगा मैं ये क्वेश्चन, देखना ध्यान से। माय ट्राउजर्स इज मिसिंग टुडे। मेरे जो ट्राउजर हैं वो खो गए हैं आज, मिसिंग है। ठीक है, ले गया होगा कोई चोरी करके। अब अपने कॉमन एरर टेक्निक पे आ जाओ वापस, इसको बना दो ए, इसको बना दो बी, इसको बना दो क्या सी, और नो एरर जिसको बोल दिया आपने डी। समझ रहे आप? यही तो होता है कॉमन एरर, फाइंड द एरर, कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर, इन्हीं का ही नाम है। अब क्या करना है अपन को, अब अपनी नॉलेज काम में लेनी है। नॉलेज कैसे काम में लेनी है, ध्यान से सुनना है आपको। माय ट्राउजर्स इज मिसिंग टुडे, मेरे पैंट खो गए हैं, है ना। अब एरर क्या है इसमें, आपको पता है कि ट्राउजर्स उसी लिस्ट का वर्ड है। ठीक है, आपने नहीं जोड़ा है तो लिख लें ट्राउजर्स भी, जिस लिस्ट का जीन्स है, जिस लिस्ट का पैंट्स है, ये उसी लिस्ट का वर्ड है। अगर ट्राउजर्स वर्ड उस लिस्ट का है तो एस इसका नहीं हटाया जा सकता, जो कि हम हटा भी नहीं रहे। ठीक है, दूसरा ये कि जो वर्ब आपने लगाई है, एक बार रूल को दोबारा पढ़ लें आप, कि जो वर्ब है या जो प्रयोग है इसका वो बहुवचन की तरह होगा, जो वर्ब है वो प्लूरल की तरह होगी, जो यूज है वो प्लूरल की तरह होगा। अगर प्लूरल की तरह होगा तो मैं इसके स्थान पर क्या लगा कराऊंगा दोस्त, आर। क्या लगा कराऊंगा? आर। क्लियर हो गई होगी ये बात? इसका आंसर क्या निकाल के दे दिया आपने? बी। क्लियर, और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं आप, समझ गए होंगे आप इसका रूल क्या है, ध्यान से और देखते हैं। ठीक है, माय My spectacles are lost. Are lost की जगह ले लें are framed. मेरे जो spectacles हैं उनको फ्रेम किया गया। वैसे वो इसमें क्वेश्चन मतलब सेंटेंस, My spectacles are
फ्रेम, क्या दिक्कत लग रही है आपको? इसको बना लो आप ए पार्ट, इसको बना लो आप बी पार्ट, इसको बना लो सी पार्ट, और एक बना लो आप नो एरर, जिसको आपने क्या बोल दिया दोस्त, डी। अब आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर आना चाहिए? अगर जिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में गलती है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, जिस भाग में गलती है अकॉर्डिंग टू ग्रामर या व्याकरण, उसको तो आप टिक कर देंगे। अगर गलती नहीं लग रही है तो आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, स्पेक्टिकल्स के बारे में आप जान गए थे कि एस तो लगा नहीं और एस हटा नहीं सकते, और हमने हटाया भी नहीं है ना। एस आप हटा नहीं सकते और वर्ब आपको बहुवचन लगानी है। अब अगर वर्ब बहुवचन लगानी है तो इसकी क्या गलती है? सही है तो, और सही है तो आपका आंसर क्या हो गया? नो एरर। क्या हो गया? नो एरर। आपका उत्तर आ चुका है नो एरर, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। क्लियर? और बढ़ते हैं आगे। समझ में आ गया होगा आपको कि जो रूल आपने पढ़ा उसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, और बढ़ते हैं। अब एक रूल आपने पढ़ा कि कुछ शब्द हैं या कुछ नाउन हैं जिनके अंत में एस लगा हुआ है और आप उनको नहीं हटा सकते। अब सुनना आप ध्यान से रूल नंबर टू। अब मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ नाउन के अंत में एस लगा होगा, कुछ नाउन के अंत में एस लगा होगा। यही बात हमने रूल नंबर वन में कह दी और यह भी बात हमने रूल नंबर टू में कह दी। ठीक है, एस इनका भी नहीं हटा सकते आप, मतलब सिंगुलर नहीं बनेगा, एस नहीं हटेगा। एस नहीं हटेगा को आप यह भी कह सकते हैं कि सिंगुलर नहीं बनेगा। अब यार ये तो चमत्कार ही हो गया, रूल नंबर वन में भी वही बात, रूल नंबर टू में भी वही बात, तो फिर अंतर क्या है? दोनों अलग अलग नियम बने ही क्यों हैं? ये भी देख लेते हैं। कुछ नाउन के अंत में एस लगा होगा, आप कह ही रहे हैं, एस नहीं हटेगा, ये भी आप कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंतर कहां आ चुका है देखना ध्यान से, कि यहां इनका जो प्रयोग है या इनका जो यूज है वो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर की तरह होगा। वहां वर्ब क्या लगा रहे थे आप? प्लूरल। लेकिन यहां वर्ब क्या लगा रहे हैं आप? सिंगुलर। तो इनका जो यूज है वो हमेशा सिंगुलर की तरह होगा। क्लियर? अब इन नाउन्स को जानना भी जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से नाउन है जो ऐसा करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ विषयों के नाम दोस्तों, कुछ विषयों के नाम, जैसे कि आपने कहा मैथमेटिक्स, आपने कहा फिजिक्स, आपने कहा इकोनॉमिक्स, आपने कहा पॉलिटिक्स, आपने कहा सिविक्स, देख रहे हो ना आप, ये सारे किसके नाम है? सब्जेक्ट्स के नाम है। किसके नाम है? सब्जेक्ट्स के नाम, विषयों के नाम है। देख लो आप, अंत में लगा हुआ है एस, एस नहीं हटेगा। आप नहीं बोल सकते कभी भी मैथमेटिक पढ़ रखी है मैंने, इकोनॉमिक पढ़ रखी है, आपको बोलना क्या पड़ेगा? इकोनॉमिक्स। क्या बोलना पड़ेगा? इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स, ना कि पॉलिटिक। ठीक है, तो अंत में जो एस लगा हुआ है ये नहीं हटेगा। पहली और इंटरेस्टिंग बात तो यही समझ में आ गई। दूसरा, इनका सिंगुलर नहीं बनेगा, और तीसरा, इनके साथ वर्ब हमेशा आप सिंगुलर लगा कर आएंगे। क्लियर है? जैसे कुछ डिजीज, डिजीज का मतलब दोस्तों रोग, डिजीज का मतलब रोग। कुछ डिजीज के नाम हैं जैसे मम्स, जैसे गाउट्स। ठीक है, ये कुछ डिजीज के नाम हैं जिनके अंत में एस लगा होगा, एस हटाना नहीं है, ये आपको डायरेक्ट ही याद करने, मम्स, गाउट्स, मीजल्स। ठीक है दोस्तों, कुछ स्पोर्ट्स के नेम जैसे बिलियर्ड्स, है ना। तो ये वो नाउन की लिस्ट है जिनके अंत में एस लगा हुआ होगा और आप उनका एस नहीं हटाएंगे, लेकिन जो क्रिया आप यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे दोस्तों? सिंगुलर। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, रूल आपके समझ में आ ही गया होगा। दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हमें अंत में एस लगा हुआ मिलता है
और हमें लगता है कि अगर एस है तो बहुवचन और लगा दो वर्ब प्लूरल, एग्जामिनर वही गलती पकड़ लेता है और वही क्वेश्चन दे देता है। कैसे? अगर मैंने बोला मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्या दिक्कत आ रही है? इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, और ये रह गया सी, और एक और पार्ट बना दो नो एरर, जिसको बोल दिया डी। ये दोस्तों कॉमन एरर्स, इसको बना दीजिए आप डी। अब बढ़िया आगे, मैथमेटिक्स आपको पता है इस लिस्ट का वर्ड है, जिनके साथ में क्रिया, यही वर्ड याद कर ले आप, ज्यादा वर्ड्स के चक्कर में नहीं पड़ना अपन को, यही वर्ड याद करने आपको, यही थ्योरी आपके दिमाग में छपनी चाहिए, क्लियर। अब मैथमेटिक्स की बात कर लो आप, तो मैथमेटिक्स तो मुझे पता है कि जो प्रयोग है, जो क्रिया है वो सिंगुलर की है ना, तो आर के स्थान पर क्या लगेगा दोस्तों? इज, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया आपको मेरी बात? आर के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया आपने? बी का, क्लियर। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, जो भी चीजें आप लिख नहीं पाए वीडियो को पॉज करके लिखना स्टार्ट कर देना आपको। ये हो गए दो नियम, ये दोस्तों मेरे को समझ में आए कितने नियम? दो। अब आते हैं रूल नंबर थर्ड पे, रूल नंबर थर्ड पे, रूल नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। आपको पता होगा कि अनकाउंटेबल करके हमने एक चीज सीखी थी, अनकाउंटेबल नाउन, नाउन को संख्या के आधार पर दो भागों में विभाजित करना बताया था मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में, नहीं देखा अभी पहले उसको देख लो आप, तो उसको बोल रहे हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन वो जिनको हम गिन पा रहे हैं, और अनकाउंटेबल नाउन कौन से? जिनको हम नहीं गिन पा रहे हैं। जैसे मनी, मैंने बताया था उस वीडियो में भी आपको कि मनी का मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, गिनते हम रुपीज और पैसे को हैं, और मनी क्या होगी? हमेशा अनकाउंटेबल। जैसे वॉटर, जैसे प्यार, लव, लव को नहीं गिन सकते ना आप, बोल ही नहीं सकते मैंने 400 प्यार कर रखे, आपको क्या बोलना पड़ेगा? लव, तो वो लव ही है, लव्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट आपको पता है, लव, वॉटर, हेट, फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, फ्यूल मतलब क्या है? ईंधन, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल की लिस्ट है जो थोड़ी सी मैंने आपको बताई है, और भी बता देते हैं, और भी पढ़ लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट कौन सी है। जैसे फर्नीचर, जैसे फर्नीचर है ना, जैसे होप, आशा, ये सारे के सारे कौन से हैं? ये सारे के सारे क्या है? अनकाउंटेबल। जैसे विस्की, ठीक है, जैसे पेट्रोल, जैसे मिल्क, ये सारे क्या हैं दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन की भी कुछ क्वालिटी है, वो भी हमको समझनी पड़ेगी, है ना। अनकाउंटेबल नाउन की क्वालिटी भी हमको समझनी पड़ेगी। पहली बात हमने ये कर ली कि अनकाउंटेबल नाउन है कुछ, क्या है कुछ? अनकाउंटेबल नाउन है जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन की पहली क्वालिटी बता दो आप कि इनका प्लूरल नहीं बनेगा, इनका प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। अब इनका प्लूरल नहीं बनेगा, पहली और बड़ी बात तो यही है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इनका जो यूज है, जो हम बार बार कह रहे हैं वर्ब है, वो हमेशा कौन सी यूज होगी? सिंगुलर। कौन सी यूज होगी? सिंगुलर। यही तो इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि पहली बात तो इनका यूज नहीं होगा प्लूरल की तरह, मतलब इनका प्लूरल नहीं बनेगा, और दूसरा इनका जो यूज है वो सिंगुलर में होगा, मतलब आपको हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लेनी है। प्यार अंधा होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्यार क्या हो रखा है? अंधा।
तो आप बोल सकते हैं क्या लव आर ब्लाइंड, लव आर ब्लाइंड बोल सकते हैं क्या आप? बिल्कुल गलत हो जाएगा, बोलना क्या पड़ेगा आपको, लव इज ब्लाइंड। अब क्यों बोलना पड़ गया, इसका भी क्या नियम बना दिया आपने, क्योंकि अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ क्या है, वर्ब एक वचन की है। अनकाउंटेबल के साथ में वर्ब या क्रिया हमको एक वचन की ही लगानी है, ठीक है? तो पहली इंटरेस्टिंग बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी ये कि इनका प्लूरल नहीं बनेगा, लव्स बोलेंगे ही नहीं, क्लियर? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पूछा हुआ, जैसे माय लगेजेस आर मिसिंग, माय लगेजेस आर मिसिंग। अब मुझे बताएं इसमें एरर क्या है या गलती क्या है। माय लगेजेस आर मिसिंग, पहली बात तो ये, यहीं से पकड़ लेनी है अपन को और नोट डाल के आपको लिखनी है अपनी कॉपी में कि दो वर्ड दे रहा हूं आपको मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो लगेज और एक वर्ड क्या है, बैगेज। दो वर्ड दे रहा हूं आपको मैं, लगेज और बैगेज, ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा किसकी तरह ट्रीट होते हैं इंग्लिश में, अनकाउंटेबल नाउन की तरह। दो वर्ड आ चुके हैं हमारे पास, लगेज और बैगेज। लगेज सामान होता है, बैगेज वो पैक सामान होता है, उसको बैगेज बोल देते हैं, ठीक है? तो कभी जिंदगी में लगेजेस नहीं होगा और ये अनकाउंटेबल है। तो वापस से कनेक्शन बिठाओगे, अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसका एस हटेगा, अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसका एस हटेगा, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसकी क्रिया क्या लगेगी दोस्तों, इज या सिंगुलर। समझ में आई होगी आपको ये बात कि इसके साथ में क्रिया क्या लगेगी दोस्तों, इज या सिंगुलर, कोई शंका नहीं है इसमें। और देखते हैं, और देखते हैं, घबराना नहीं है, क्वेश्चन खूब सारे करने हैं अपन को इसी प्रकार से, ठीक है? और क्वेश्चन पे आते हैं इसके, और एक चीज समझ में आएगी आपको, एक और जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। हर मनी वॉज लॉस्ट इन जयपुर, हाउ मनी वॉज लॉस्ट इन जयपुर। अब दोस्तों मनी बता दीजिए आप क्या है, मनी काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, दो मिनट में क्लिक करना है क्योंकि पहले पढ़ ही चुके हैं मनी क्या है। अगर मैं पढ़ ही चुका हूं मनी क्या है, फिर तो बताना है ना आपको कि मनी है कौन सी नाउन, अनकाउंटेबल, और अगर मनी अनकाउंटेबल है तो वॉज आएगा या वर आएगा, वॉज आएगा और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है? एक क्वेश्चन बहुत फेमस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द हर किताब में क्वेश्चन है, द सीनरी ऑफ द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव। ध्यान से सुनना है आपको, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव। पूरी इंग्लिश को आपके मोबाइल पे लाके रख देंगे हम, देखते जाओ बस आप। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, बस एक वर्ड और समझना है कि जिस तरीके से ये दो वर्ड पढ़े थे ना आपने, ऐसे एक वर्ड जोड़ दिया सीनरी, जिसका मतलब होता है दृश्य, और ये भी कौन सी लिस्ट में आ गई, अनकाउंटेबल में। कौन सी लिस्ट में आ गई भाई, ये अनकाउंटेबल में, ठीक है? तो लगेज बैगेज और सीनरी, तीनों बात पकड़ ली ना हमने अनकाउंट, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसका बहुवचन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वर्ड क्या आ गया, सीनरी, वर्ड क्या आ चुका है, सीनरी। समझ में आ गया होगा सबको ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये तीन रूल पढ़े थे हमने, अब इन
तीन रूल्स के ऊपर एक रूल है ना, मैं तो ऊपर ही मानूंगा उसको, क्योंकि देखना आप क्या क्वेश्चन बनाता है वो। पहले उसके क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं एक बार, तभी आगे बात करेंगे ना। उसका क्वेश्चन ये है, ये लो, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, रूल नंबर चार, यहीं से ड्राइव कर रहा हूं मैं। रूल नंबर चार, पहले मैंने सोचा आपको क्वेश्चन लिख के दे देता हूं। अ पेयर ऑफ सीजर्स आर वेरी कॉस्टली, अ पेयर ऑफ सीजर्स आर वेरी कॉस्टली। देखो यार, अब पंगा कुछ और ही पड़ गए, पंगा ये पड़ गया कि सीजर्स आपने पढ़ा है कि ऐसा ना होने जिसका प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, लेकिन अब यहां इससे पहले क्या वर्ड जोड़ दिया, अ पेयर ऑफ, तो दिक्कत यह है कि मैं आर लगाऊं या इज लगाऊं। सिंपल सी बात यह है कि मैं आर लगाऊं या इज लगाऊं। एक रूल दे रहा हूं आपको, जिंदगी भर पकड़ के रखना है आपको उसको। और रूल क्या है, अगर कभी भी कोई नाउन यूज हो जाए, इन सबको नाउन ही बोलेंगे हम, आगे इनकी भी थ्योरी है, कभी कोई नाउन यूज हो जाए और उसके बाद में आ जाए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वैसे तो चैप्टर है आपका, जैसे प्रीपोजिशन याद रखा है ऑफ, प्रीपोजिशन होते हैं ऑफ, इन, एट, टू, फ्रॉम, बाय, ओवर, विद, विदिन, अलोंग विद, ये सारे प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो अगर कभी कोई नाउन आ जाए, कभी कोई नाउन आ जाए और उसके साथ में क्या अटैच होके आ जाए, प्रीपोजिशन अटैच होके आ जाए, दोबारा सुन लीजिए आप, अगर नाउन आ जाए और नाउन के साथ क्या आ जाए, प्रीपोजिशन, और उसके बाद में दोबारा नाउन आ जाए और फिर प्रीपोजिशन आ जाए, देखते जाओ आप, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, और ये चलता ही जाए, कितनी भी लंबी सीरीज हो इसकी, चौराहे तक ही है ना, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, और ये सीरीज कितनी भी लंबी हो, ठीक है, अंत में रुक के एक जगह तो वर्ब लगानी पड़ेगी आपको हार के, ठीक है, क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब। अब नियम यहां ट्विस्ट खाएगा कि जो वर्ब है वो हमेशा कौन डिसाइड करेगा, फर्स्ट नाउन, कौन डिसाइड करेगा, फर्स्ट नाउन, ठीक है। नाउन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, अगर नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन चलता रहे और वर्ब लगानी हो तो वर्ब कौन निश्चित करेगा, फर्स्ट वाला नाउन। लिख देता हूं मैं हिंदी में, इस फॉर्मूले में वर्ब फर्स्ट नाउन के अनुसार ही आएगी, जो वर्ब है वो फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार ही आएगी, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है बीच वालों, ठीक है। तो नाउन जो है फर्स्ट वाले चेक करना है। अब देखो आप वही सिस्टम बना चुके हैं, ये क्या आ गया, नाउन आ गया, पेयर वेयर सब ये नाउन होते हैं, अब इसको आगे भी डिस्कस कर लेंगे। ये क्या आ चुका है, ये देखो प्रीपोजिशन है या नहीं है, देखते जा रहे हैं आपको बस, ये अ पेयर नाउन, ये प्रीपोजिशन, और ये वापस सीजर क्या आ गया, नाउन। अब जो आपकी वर्ब है, वर्ब वो कौन डिसाइड करेगा, ये वर्ब सीजर या पेयर, ये डिसाइड करेगा पेयर, और अगर ये पेयर ने डिसाइड कर ली तो ये क्या हो जाएगा, इज, ये क्या हो जाएगा दोस्त, इज, तो ये हो जाएगा इज, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज वेरी कॉस्टली। अब मुझे मतलब ही नहीं है सीजर्स ने क्या ले लिया, क्या फलाना ढिकाना जो भी हो, मुझे मतलब है अ पेयर से, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ये रूल समझ में आ गया होगा, एक बार और सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं दोबारा आपको, इंपॉर्टेंट रूल है, स्टार लगा के लिख लेना आप, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, और इस श्रृंखला को कितनी भी लंबी कर दो, फॉर्मूला बना लो, एक चाहे दिमाग में रट लो, कई जगह बचा के लेके आए गए। अगर ऐसी सीरीज बन जाती है तो जो वर्ब डिसाइड होती है ना वो फर्स्ट वाला नाउन डिसाइड करता है भाई, ठीक है, कौन डिसाइड करता है, फर्स्ट वाला नाउन। अब एक क्वेश्चन और लिख के देखते हैं, है ना, माय फ्रेंड्स इन दिस कॉलेज
वेरी इंटेलिजेंट माय फ्रेंड्स इन दिस कॉलेज इज वेरी इंटेलिजेंट. क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, बस चेक करना है आपको, पहचानने की आवश्यकता पड़ रही है बस. माय फ्रेंड्स इन दिस कॉलेज इज वेरी इंटेलिजेंट. कहां एरर आ रही है? ये नाउन है या नहीं है? बोलना है आपको, नाउन है या नहीं है? और ये प्रीपोजिशन है, वो नाउन है, ये वापस प्रीपोजिशन है. अब ये दिस कॉलेज, कॉलेज भी क्या हो गया एक तरीके से? नाउन हो गया, कॉलेज नाउन हो गया. अब समस्या हुई है इस, अब मुझे बताएं आप, मैं कॉलेज के अकॉर्डिंग वर्ब लगाऊं या फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगाऊं? तो वर्ब दोस्तों किसके अकॉर्डिंग लग जाएगी? फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रेंड्स है बहुवचन और बहुवचन है तो इज नहीं आकर क्या आ जाएगा भाई? आर आ जाएगा. इज ना आकर क्या आ जाएगा? आर प्रयुक्त हो जाएगा. कोई समस्या यहां तक? बढ़ते हैं आगे, और एक क्वेश्चन और ले लो. देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं. द क्वालिटी ऑफ इंडियन मोबाइल्स इन इंडिया इज नॉट गुड. क्वेश्चन कितना भी लंबा आ जाए, क्वेश्चन से नहीं घबराने अपन को, अपन को कॉन्सेप्ट पकड़ के याद रखना है. द क्वालिटी ऑफ इंडियन मोबाइल इन इंडिया इज नॉट गुड. भारत के मोबाइल की जो क्वालिटी है वो भारत में ही अच्छी नहीं है, बाहर तो कैसे बेचेंगे उसको? ठीक है, देखते हैं ध्यान से. द क्वालिटी ऑफ इंडियन मोबाइल्स इन इंडिया इज नॉट गुड, इज नॉट गुड. ठीक है, चेक करके देखते हैं. नाउन है क्वालिटी, विशेषता बता रहे, नाउन क्या है? प्रीपोजिशन है, बोलते जाना है साथ में. ये नाउन है और ये क्या है? प्रीपोजिशन है. और ये क्या है? नाउन है. ये क्या है? प्रीपोजिशन है. ये क्या है? नाउन है. देखो आप सीरीज लंबी हो चुकी है. नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन एंड द सीरीज गोज ऑन. कितनी भी लंबी लगा दो इसको, तो जो वर्ब है वो कौन डिसाइड करता है? प्रथम नाउन. और प्रथम नाउन क्या है? क्वालिटी, मतलब सिंगुलर. और अगर प्रथम नाउन ने डिसाइड करी तो मेरे सेंटेंस या क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है. कोई डाउट दोस्तों इसमें? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये चार रूल पढ़ चुके हैं हम, नाउन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थे. अगर नहीं लिख पाते हैं आप तो वीडियो को पॉज करें, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, और लिखते हुए चले. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है यार, अगर वीडियो अच्छी बना रहे हम, कोशिश तो हमारी अच्छी की है, और अगर अच्छी बना रहे हैं तो आप इसको शेयर करते जाएं, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते जाएं. ठीक है, शेयर करने से क्या होगा? शेयर करने से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा. आप अपनी टाइमलाइन पे शेयर करें, जहां भी आप शेयर कर पा रहे हैं वहां शेयर करें. ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचेगा, ये फायदा पहुंचेगा. हम ये चाहते हैं कि आपके मोबाइल पे सारे इंस्टीट्यूट उठ के आ जाए. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. देखो यार, चार रूल पढ़े हमने, बहुत इंटरेस्टिंग रूल थे. अगर किसी नाउन के अंत में एस लगा हुआ है तो वो कह रहा है कि मेरा एस मत हटाओ और बहुवचन ही आप उसमें क्रिया लगाओ. फिर एक कह रहा है कि एस तो मत ही हटाओ, सेकंड वाला, लेकिन जो क्रिया है वो सिंगुलर लगाओ. तीसरा कह रहा है अनकाउंटेबल, वो कह रहा है एस ही मत लगाओ, लेकिन वर्ब है वो सिंगुलर लगाओ. चौथा कह रहा है नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, और ये सीरीज चलती रहे तो जो वर्ब है वो कौन ले लेता है? वो प्रथम नाउन ले लेता है. देखो चार नियम किताबों में लिखे हुए हैं. अब एक पांचवें नियम की बात करते हैं जिसका जिक्र आपको कोई बढ़िया फैकल्टी करवाएगी. क्लियर है, इस चार रूल को पढ़ने के बाद एक पांचवा रूल समझ में आना चाहिए आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. आप ये मान लें कि चार सबको पता है तो पांचवा आपको ही पता है. क्लियर है, ध्यान से सुनना. एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं पहले. जैसे मान लो एक आया विलेजेस आफ्टर विलेजेस आर,
चेंजिंग, दिख पा रहा होगा आपको, इसमें लिखा हुआ विलेजेस आफ्टर विलेजेस आर चेंजिंग। अब पंगा कहां है इसमें? पंगा यह है कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन और जो वर्ब है वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, और हम इसको बता देते हैं नो एरर में, है ना। और फिर एग्जाम से आते हैं हम बाहर, और फिर आती है समस्या ये कि हम तो पूरा ही पढ़ के गए थे साहब, ये हमको समझ में ही नहीं आया, आता कैसे? रूल नंबर 5 भी था इसका एक, समझ रहे आप? आता कैसे वो रूल नंबर 5 भी तो पढ़ना था आपको, किताब वालों ने वो मिस कर दिया, किताब मोटी नहीं हो जाए, गाइड बनाने में मोटी नहीं हो जाए, इसलिए वो ऐसे रूल मिस कर दिए गए, बेसिक बेसिक रूल्स लिए हुए, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको ये नियम, बस ध्यान से सुनने, आपको आपने क्या करा, जैसे ये क्वेश्चन दिया तो आपने इसको फटाफट से कनेक्ट कर लिया होगा कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन जो आपने रूल नंबर 4 अभी पढ़ के आए हो, है ना, रूल नंबर 4 से 2 सेकंड में कनेक्ट कर लिया आपने, कहा सर ये ऐसे वैसे और ये फर्स्ट नाउन और फर्स्ट नाउन आर और ये बिल्कुल करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन हो गया बाहर निकलते ही गलत, ठीक है। अब कैसे सही होगा? अब बात ये भी सोच लो, आप दिमाग लगा लो, या ये सही है, क्या पता गलत ही रूल पढ़ रहे हूं। बोलो, मैं बताता हूं आपको, रूल नंबर 5, है ना, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। पहले वाले रूल में क्या था, रूल नंबर 4 में नाउन प्रीपोजिशन नाउन प्रीपोजिशन नाउन प्रीपोजिशन चौड़ाई तक जा रहा था पूरी सीरीज, यहां बस 2 ही नाउन आएंगे और 1 ही प्रीपोजिशन आएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ऐसा आता है तो, ऐसा आता है तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन, अगर ऐसा आता है तो करना क्या है, करना यह है रूल नंबर 1 पे आना है इसी के, और समझना है कि दोनों जो नाउन है ना वो सिंगुलर होंगे, दोनों नाउन क्या होंगे भाई, सिंगुलर होंगे। अगर नाउन प्रीपोजिशन नाउन आता है तो दोनों जो नाउन है वो सिंगुलर रखने, प्लूरल रख लिए वो गलत हो गया, लेकिन ये कब करना है, जब नाउन प्रीपोजिशन नाउन है और ये दोनों जो नाउन है ये शर्त है, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यहां विलेज तो यहां भी विलेज, मतलब ये जो दोनों नाउन है ये दोनों ये क्या होने चाहिए भाई, सेम होने चाहिए, बस। अगर ये दोनों आ गए नाउन सेम और नाउन प्रीपोजिशन नाउन आ गया और दोनों नाउन क्या आ गए, सेम, दोनों नाउन क्या आ गए, सेम, ये रूल लिखना है आपको, नाउन प्रीपोजिशन नाउन और दोनों नाउन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो रूल नंबर 1 नाउन सिंगुलर होंगे, रूल नंबर 2 जो वर्ब आप लगा रहे हैं वो भी सिंगुलर होगी, जो वर्ब आप लगा रहे हैं वो भी क्या होगी भाई, सिंगुलर होगी, और जो नाउन आप लगा रहे हैं वो भी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, कोई समस्या ही नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, देखो यार धीरे पढ़ लेंगे हम, चाहे सेशन 5-5 और एक्स्ट्रा निकल जाए हम धीरे पढ़ लेंगे, लेकिन इन चीजों को समझते हुए चलना है अपन को, ठीक है। क्वेश्चंस भी करने तो सेशन की चिंता मत करना, 20 बोला था 25 लग जाए या 30 लग जाए, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल तो हमने रेफरेंस के लिए बनाया है कि हमारा टाइम पे कोर्स पूरा हो जाए, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सेशन बढ़ाने में हमें कोई समस्या नहीं है, क्लियर। और बढ़ते हैं आगे, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, दोनों नाउन सेम तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर या एक वचन। अब अगर ऐसा है, मतलब ये चक्कर चल रहा है, तो आपको क्या है, इसमें से एस हटाना पड़ेगा, इसमें से भी, मतलब नाउन प्रीपोजिशन नाउन दोनों हो गए सिंगुलर और जो वर्ब है वो क्या लगानी पड़ेगी भाई, एस, क्या लगानी पड़ेगी, यस। तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक एक और क्वेश्चन लिखते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग इज नॉट गुड, डोर टू डोर्स मार्केटिंग इज नॉट गुड, ये जो मार्केटिंग है ये अच्छी नहीं है, ऐसा मतलब कोई सेंटेंस बना दिया हमने। अब वही रूल लगेगा, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, अब क्या होगा, नाउन प्रीपोजिशन नाउन लग गया, अब क्या हो रहा है आपका,
इस वाले एस को हटाएंगे क्योंकि आपको दोनों को सिंगुलर रखना है, वर्ब ऑलरेडी सिंगुलर है तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। समझ में आ गया होगा आपको पांचों रूल्स, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है अपन को, सेशंस इंपॉर्टेंट है, सारे लेने हैं, रोक रोक के लिखना है ये कुछ चीजें, और समय समय पर इसको शेयर करते चलना है। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा अकेले ही पढ़ रहे हो आप, शेयर भी करना है आपको ये आगे। ठीक है, कोशिश करेंगे हम पूरे के पूरी नाउन थ्योरी को आपको सामने ला दें, कोशिश ये करेंगे कि नाउन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन बचे ही ना, बस थ्योरी को ध्यान से पढ़ते जाएं, लिखते जाएं, जो जो क्वेश्चन जो जो एग्जांपल हम दे रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ते जाएं, बाकी बाकी का हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अगले सेशन में, सेशन 3rd में। अब ये 2 सेशन हो चुके हैं नाउन के ऊपर। क्लियर दोस्तों? बाकी